गुड मॉर्निंग लुधियाना, दिस इज तमन्ना बेदी एंड दिस साइड नवप्रीत सिंह बेदी। सो रोज की तरह एक बार फिर तो मौजूद है लेके देश ते दुनिया दी तमाम अहम खबरां। सो रोज की तरह बुलेटिन की शुरुआत करांगे अंतरराष्ट्रीय खबर दे नाल। सो पहली खबर है जगबाणी दे सफा 10 ते छपी है, चीन अते नेपाल दे विच मी अते हड़ लोका 19 लोका दी जड़ी है मौत हो चुकी है। दस दिए कि मूसलाधार बारिश जड़ी है हो रही है चीन अते नेपाल दे विच, जिस करके लैंडस्लाइडिंग दी घटना सामने आई है, जिस करके चीन दे विच 19 लोका दी मौत हो चुकी है, 980,000 घर जड़े नुकसाने गए ने। उते ही गल करिए नेपाल दे विच तां इस भारी बारिश तो करके 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 दर्जन तो वध लोग जड़े है वह लापता दसे जा रहे हैं। फिलहाल फौज के वलों बचाव कार्य लगातार जारी है, तो इसे कोशिश है कि लोगों को जरा कि सुरक्षित स्थानों पर जल्द तो जल्द पहुँचाया जा सके। चीन ते नेपाल दे विच भारी मीह ने काफ़ी तबाही लैके आउंदी है, हड़ वर्गी स्थिति सारे पासे बनी पई है। तो उत्थे तकरीबन जे आपां गल करिए तां चीन दे शहर दे विच तकरीबन 11 लोकां दी मौत हो गई है, 980,000 दे करीब जिहड़े घर ने उह तबाह होए है, ते चीन दी प्रशासन वल्लों 317,000 दे करीब लोकां नूं बड़ी मुश्किल तों बाद बचाया गया। उत्थे जे आपां गुआंढी मुल्क नेपाल दी वी गल करिए तां नेपाल दे विच वी 8 लोकां दी मौत हो गई है अते 500 दे करीब लोकां नूं बड़ी मुश्किल तों बाद सरकार ते प्रशासन वल्लों सेफ जगह ते लिआंदा गया। जी अगली खबर के वल रुख करते हैं, जगबाणी दे सफा पहले ते छपी है, रोहतांग दे विच ताज़ा बर्फबारी, बिहार च आसमानी बिजली डिगन दे नाल 11 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, दस दिए कि बिहार दे विच लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस तो बाद कि हाई अलर्ट भी जड़ा जारी कर दिता गया है। उत्थे ही गल करिए मुंबई दे विच तां 3 दिन बाद बारिश जिहड़ी है एक बार मुड़ तो शुरू हो चुकी है, जिस करके हेठले इलाकों दे विच पानी भर चुका है, ट्रेन अते बस सेवावां वड्डे पद्धर ते जिहड़ियां प्रभावित हो रही ने। उत्थे ही शिमला की गल करिए तां इत्थे 69 मिलीमीटर बारिश जिहड़ी है नापी तो दर्ज की गई है। जून का महीना पूरी अपनी गर्मी जोबन से होंगी है, लेकिन वो दौरान भी रोहतांग ताज़ा बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्थी बिहार के भी आसमानी बिजली डिगन 11 लोग मौत के मुँह चले गए हैं। जो मुंबई की गल करिए पहले एक हफ्ते पहला काफ़ी ज़्यादा भारी मीह पिया, सड़कों पर 2.5 से 3 फुट तक पानी खड़ा हो गया, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पाया। उस तो बाद 2-3 दिन वास्ते थोड़ा जहा मीह थमिया, लेकिन उस तो बाद फिर दोबारा मुड़ 3 दिनों तो बाद भारी बारिश ने 8-9 घंटे बारिश पई है, तो उन्हें फिर दोबारा सड़कों पर पानी ही पानी सारे पासे कर दिता है। उत्थे उत्तर प्रदेश की भी गल करिए उत्थे भी मौसम ने अचानक करवट बदली है, इस गर्मी के जून के महीने में भी कितें कितें भारी मीह बारिश और कितें कितें उत्तरी इलाकों में बर्फबारी फिर दोबारा देखने को मिल रही है। अगली खबर है रोजाना स्पोक्समैन दे सफा पहले ते छपी है, दसती खबर है कि कोवैक्सीन विच गाँव के नवजन्मे बच्चे दे सिरम बारे सोशल मीडिया ते गलत तथ्य पेश किए गए हैं। एक कहना है केंद्र सरकार दा, उन्होंने इस बयान नू जारी करदिया कहा है कि सोशल मीडिया ते कुछ तथ्यां नू तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने साफ किया है कि नवजन्मे बच्चे का जो सिरम है उसका इस्तेमाल सिर्फ वेरो सैल जरा तैयार करने के लिए होंदा वै, ते उन्हां दा जो भी विकास के लिए इस्तेमाल है किया जाता है। हालांकि उन्होंने यही कहा कि पोलियो, रेबीज से इन्फ्लुएंजा वर्गे टीके बनाने के लिए इस टेक्निक का दहाकिया तो इस्तेमाल जरा नफरत उन्होंने कहा कि हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से गल फैली हुई है कि जिले नवजात जो बच्चा होंगे शिशु होंगे वा गाँव का वो बच्चे का जो सिरम है वो यूज़ हो रहा है, जबकि सरकार ने इन चीज़ों का खंडन किया कि सोशल मीडिया साइट्स से अजी चीज़ा ना चलाओ, क्योंकि जो आप गल करिए जो वेरू वायरस होंगे वा इन पानी और रसायनिक प्रक्रिया होंगी है, प्रक्रिया में निकलना पैंता है, उस तो बाद जो कोविड का जो कोरोना वायरस होंगे उन्होंने पा के शमूलियत की जाती है, फिर वेरू वायरस नष्ट किया जाता है। उस तो बाद अजिंह जिहड़ियां साइंटिफिक ते कैमिकल प्रक्रिया होंगे ने, उस तो बाद जाके जी कोविड की वैक्सीनेशन तैयार होंगी है। सो असीं लोगों को अपील करांगे कि सोशल मीडिया से जे किसी तरह का बकावा दिता जा रहा है, किस तरह की कोई पोस्ट वायरल हो रही है, तो उधर ध्यान ना दो, क्योंकि उचेचे तौर पर इस पोस्ट वायरल होने लैके ही सरकार ने अपना स्पष्ट किया स्टैंड कि ये किसी भी तरह का नवजोत जो नवजात जो बच्चा होंगे वा शिशु होंगे वा गाँव का वह किसी भी तरह का सिरम कोविड वैक्सीनेशन फिलहाल की घड़ी इस्तेमाल इतने नहीं हो रहा। अगली खबर के वल रुख करते हैं, रोजाना स्पोक्समैन दे सफा 3 ते छपी है, खबर है कि SIT हुण 22 जून नू MLA होस्टल च करेगी साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो पुछगी। जी हाँ, दस दिए कि कोटकपुरा गोलीकांड दे मामले दे विच पुलिस दे वल्लों साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू पुछगिछ दे लई हालांकि 16 जून नू तलब किया गया से, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देंदे हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टरों वालों 10 दिन का बैड रेस्ट दस्या गया, जिस करके वह फिलहाल हाजिर नहीं हो सकते। हुण जिहड़ा कि 22 जून नूं इह हुण MLA होस्टल दे विच प्रकाश सिंह बादल नूं तलब किया गया है। उन्हां दा कहना है कि जो SIT दे नाल उन्हां नूं सहयोग करन दी जरूरत है, ते उन्हां ने कहा भी है कि सहयोग जिहड़ा है पूरा करनगे, लेकिन हुण 22 जून नूं ही उह जिहड़ा हाजिर हो सकणगे।
हुण 22 जून नूं समां दित्ता गया है पूर्व साबका मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल नूं, क्योंकि जिस वक्त यह बरगाड़ी बहबल जां कहीए कोटकपुरा कांड वाली गोली कांड वाली घटना होई सी उस वक्त सरकार श्रोमणी अकाली दल दी सी, इस करके प्रकाश सिंह बादल नूं हुण आने वाली 22 जून नूं सवेरे तलब किया गया कि वह चंडीगढ़ के सुखना लेक के नेड़े जिला सैक्टर 4 दे विच एमएलए होस्टल बने हुए हैं उत्थे अपने कमरे में सवेरे 11:30 बजे मौजूद होण, क्योंकि जिहड़ी एसआईटी बनी है वह हुण गलबात करना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर कोटकपुरा में गोली चलाने के हुक्म किसने दिए सन, क्योंकि मुख्यमंत्री वजो उस वक्त प्रकाश सिंह बादल ने अपने वालों जो पहला किया कि मैं कोशिश की कि किसी भी तरह की कोई जानी माली नुकसान ना हो, किसी भी तरह की कोई गोली वगैरह ना चले, लेकिन उस तो बाद भी आफ्टरऑल गोली चली है और दो सिंह शहीद हुए सन जिसको लैके पहली एसआईटी बनी सी जिसन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिता सी, उस तो बाद नवी एसआईटी बनी है तो उन्हें हुण अपने मूहरे पेश होने वास्ते मुख्यमंत्री पंजाब साबका प्रकाश सिंह बादल ने मुड़ दोबारा 22 जून तलब किया। हुण देखना होगा कि उस वक्त प्रकाश सिंह बादल अपनी सफाई की कहते हैं। अगली खबर के वल रुख करते हैं जो कि पंजाबी जागरण के सफा ते पहले ते छपी है खबर है कि अध्यापक ने निकलिया जहर। जी हाँ, दस दिए कि कच्चे अध्यापक के वलों जो मुलाजम ने कच्चे अध्यापक हले तक पक्के नहीं होए अपने मंगा जड़ियां लैके सरकार के खिलाफ लगातार रोस प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पंजाब सिक्ख्या विभाग के मोहाली दफ्तर के बाहर उन्होंने वलों जड़ा वह नारेबाजी की गई, धरना प्रदर्शन किया गया। मामला हालांकि उदों गंभीर हो गया जदों 5 जड़े अध्यापक सके तेल दी बोतल लैके DI दफ्तर की इमारत की छत से चढ़ गए, तो इस तो बाद पुलिस के वलों यह धरना खत्म करने की गल आखी गई। उस तो बाद एक बार फिर तो मामला गर्मा गया जदों धरना समाप्त करने की गल आखन से हल्की नोकझोंक शुरू हो गई, तो उस दौरान एक अध्यापक के वलों जहर तक निकल लिया गया, जिस तो बाद उत्थे मौजूद सारे हत्थां पैरां दी पै गई। अध्यापक के मुँह चो हालांकि वह नशीला पदार्थ बाहर कढ़िया गया, तो उस फटाफट जो कि अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जिस अध्यापक ने जहर निकलिया उसका नाम राजबीर कौर पता लग्या, वह सरकारी स्कूल विखे कच्चे तौर पर पढ़ा रही थी मलोट विखे, लेकिन उन्होंने वालों जो सारी जथेबंदी सी उन्होंने वालों जो मोहाली के ऑफिस के मूहरे जाके सिक्ख्या विभाग के धरना प्रदर्शन किया गया तो उत्थे काफ़ी ज़्यादा उगराह वर्गी स्थिति पैदा हो गई, काफ़ी ज़्यादा उत्थे ह्यू एंड क्राई मच गई, जिन्हों लैके 5 से 6 अध्यापक तेल दियां शीशियां लैके भी बिल्डिंग के उपर चढ़ गई। तो उस तो बाद जी मलोट के सरकारी स्कूल की कच्ची अध्यापक राजबीर कौर है उन्हें अपने मूँह के कोई जहरीली चीज़ पाली, जिन्हों नाल दे साथियों ने मुँह खोल के चीज़ तो जहरीली बाहर काढ ली, लेकिन बेहोशी की हालात में उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया। सो कितना कितने सरकार वास्ते भी कान खोलन वाली गल हो रही है, क्योंकि अध्यापकों एक जिला डेमोक्रेसी होंगी है, एक देश हों वा एक मुढ़ मनिया जाता है, क्योंकि बीज तो लैके पेड़ बन तक जिले बच्चे का जीवन होंगे अध्यापकों पर डिपेंड करता है, और जिस अपने सरकारों भावें केंद्र सरकार है या सूबा सरकार है या देश है या सूबा है जिते अध्यापकों की इज्जत मान नहीं किया जाता उत्थे कितना कितने विद्यक अदारे से पढ़ाई के लैवल में आप ही परख्या जा सकता। जी बिल्कुल नवप्रीत, लेकिन कितने ना कितने इस मामले तो बाद सरकार दे वल्लों गल कही गई है कि अध्यापकों के नाल उन्होंने गलबात करन दी जड़ी है गल आखी है। हुण देखना होगा कि इस दे उत्ते जो हल है वह कदों तक किया जाता है। अगली खबर वल रुख करते हैं, लुधियाना शहर के नाल संबंधित है। दस दिए कि लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा के वलों लाइव आके फेसबुक से लोगों के सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसके मद्देनज़र उन्होंने यह भी किया है कि जरा शहर वासियों को ऐतवार का लॉकडाउन तो कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है। इस दे नाल ही नवप्रीत उन्होंने यह भी दसिया कि शहर के अज के दिन 150 जो वैक्सीनेशन कैंप ने आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि दस दिए कि बीते दिन जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए गए थे उन्होंने 18 साल तो वध उम्र के लोगों के लिए नवप्रीत 30,000 खुराक जड़िया मुहैया कराई गई, लेकिन 16,000 लोग ही जड़े वैक्सीनेशन जड़े करवा चुके हैं। तो उन्होंने कहना है कि ये जो कि एक तसली बख्श टीचा जरा वह नहीं है। उन्होंने कहना है कि जेकर अज के दिन 30,000 लोगों की खुराक जड़िया मौजूद ने, जेकर 36,000 खुराक 36,000 खुराक जेकर लग जाती है 150 कैंपा के 10 लाख जरा वह आंकड़े से लुधियाना जरा पहुँच जाएगा, तो जो कि सहयोग देने की जरूरत है लोगों को इस कैंप के। बिल्कुल, जिला मैजिस्ट्रेट ने क्लीयर किया कि जे अपने लुधियाना वासियों ने COVID-19 महामारी तो निजात पानी है तो थर्ड वेव में नहीं आने देना तो जी 36,000 खुराक इस वक्त पे 150 के करीब जिले वैक्सीनेशन सेंटर ने लुधियाने जिले में उत्थे जाके वैक्सीनेशन लवानी चाहिए है। जो 36,000 खुराक लवाई जाने तो जरा 10 लाख का टीचा वा वैक्सीनेशन का पूरा होने लुधियाने शहर का वह जल्द ही पूरा हो सकता है। सो असं भी लुधियाना वासियों को अपील करते हैं कि वो तो कैंपा जाके वैक्सीनेशन लवाओ, 18 साल तो उपर वाली उम्र वाले वास्ते सारे वास्ते वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वैक्सीनेशन लवा के 1 मिलियन यानी 10 लाख का टीचा पार करो और लुधियाना सेफ ते सराउंड एरिए लैके आओ। जी बिल्कुल सर, उस तरह बुलेटिन के अखीर गलबात करांगे लुधियाना शहर में कोरोना के केसिस की स्थिति है। सो दस दिए कि बीते दिन जिले के
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 52 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 52 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।